समाधान करने के लिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो धमाका है वो आप लोगों का मेरे भाई आ चुका है, और वो है आप लोगों की रेलवे गणित की किताब मेरे भाई। ठीक है, पूरे एक साल लगे हमें इस किताब को बनाने में, जिसके अंदर में हमने किसी पब्लिशर के साथ कोई यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं किया, किसी को अपना नाम बेचकर हमने जो है रॉयल्टी नहीं ली, हमने खुद इसके ऊपर में काम किया। साल भर लग गए, 4 बार इस किताब को बनाई, 4 बार इसको खत्म किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में हर बार हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। उन 18,000 सवालों से होकर हम गुजरे और उसके एक एक सवाल को हम लोगों ने पढ़ा, और तब जाकर के उसके जो बेस्ट 4,000 सवाल थे वो हम लोगों ने निकाले। 2018 से लेकर के अब तक रेलवे की जितनी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के टॉप क्वेश्चन जो है वो हमने पिक किए हैं, और टॉप ही नहीं बोलूंगा मैं, ये एक ऐसी किताब बनाई है जो बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक आपको बनाती है, बिगिनर से लेकर के मेरे भाई जो है आपको टॉप लेवल तक पहुंचाती है। यहां पर आपको ये किताब अपने आप में 10 in 1 किताब है। आपको 10 अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, आरपीएफ भी देना है और एनटीपीसी भी देना है, तो वो आरपीएफ की किताब अलग ना ले, वो एनटीपीसी की किताब अलग ना ले। ऐसी किताब बनाई जो अपने आप में 10 in 1 हो। इनमें से अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं या अगर आप 2-3 परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये किताब अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, जिसके अंदर में रेलवे के सभी टाइप्स को हमने कवर किया है। सबसे अच्छी इस किताब की जो बात हो जाती है वो यहां पर ये खासियत हो जाती है कि ये किताब मेरे भाई आपको पूरा का पूरा टाइप वाइज मिलता है। मैं जब भी आपको इंडेक्स दिखाऊंगा यहाँ पर तो आपको चीजें समझ में आने वाली है कि ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अच्छा, ये किताब आपको कोई ऐसा नहीं है कि 15-20 पन्ने की है, जैसे मान लीजिए ये हमारी सीजल वैरियर की किताब है, ये आपको थोड़ी इतनी पतली दिखेगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर ये किताब में यूपीएसआई वैरियर हमारी है, मान लीजिए हम इसे जोड़ देते हैं, ये भी किताब आपको 200 पन्ने की दिखेगी। ये अकेली किताब की कीमत है 200 रुपये, ये अकेली किताब की कीमत है 200 रुपये, और सर वो भी देना एक बार, ठीक है बस यही। ये हमारी आरपीएफ वैरियर की किताब है, इसमें भी लगभग 200 के ऊपर पन्ने हैं, इसकी भी कॉस्ट है मेरे भाई यहाँ पर 200 रुपये। जब हम इन तीनों को मिला देंगे ना तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 600 रुपये की ये किताब हो गई आपकी। लेकिन उसके बाद इसको कंबाइन करने के बाद में यहाँ पर जो है आप सोच लीजिए आपकी ये वाली किताब बनती है जिसका नाम है मेरे भाई रेलवे गणित यहाँ पे। ठीक है, आप सामने अभी देख सकते हैं, और भी काफी सारी खासियत हम इसकी बताने वाले हैं। ये तीन किताब एक तरफ और आपकी ये किताब मेरे भाई एक तरफ, जहां पर ये रेलवे गणित पूरी अपने आप में 500 पन्नों की ये किताब बनती है, और आप इसका कॉस्ट अंदाजा लगाइए, क्योंकि इसकी सिर्फ डिलीवरी का ही जो खर्चा है वो 80 रुपये है, क्योंकि ये 500 ग्राम से ऊपर की किताब हो जाती है। और अगर आप भी एक सेलर होते हैं अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे तो आपको पता होता कि 80 रुपये सिर्फ और सिर्फ लोगों के घर तक पहुंचाने का इसका कॉस्ट लगता है। चैनल फीस जो होती है वो मेरे भाई अलग से होती है इसकी। ठीक है, आप अगर 40 रुपये चैनल फीस जोड़े और 20 रुपये अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है आप उसका भी जोड़े तो 140 रुपये की किताब बन जाती है। पैकिंग वैकिंग अगर आप मेरे भाई मिला लो यहां पर तो लगभग ये 150 रुपये आपका पूरा सिर्फ पैकिंग में, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर में, और उसके बाद में यहां पर आपके घर तक पहुंचाने का खर्चा आ जाता है, तो 150 रुपये तो आपकी आ जाती है। अब बच गए 500 पन्ने इसके अंदर में। आप फोटोकॉपी का चार्ज लगा लो कितना लगेगा, 500 पेजेस का अगर हम फोटोकॉपी भी करें लगभग यहां पर 1 रुपये भी लगा ले, चलो 50 पैसे भी लगा लेते हैं, तब भी 250 रुपये की आपकी फोटोकॉपी चार्ज लग जाएगी। सभी चीजों को मिलाओगे तो कम से कम ये किताब जो है ये आपको जाएगी मेरे भाई 350 पन्ने से ऊपर की, 350 से ऊपर की। लेकिन आपको ये जो है बुक आपको 259 में अभी अवेलेबल है, और वो भी फ्लिपकार्ट पे, ये अभी आप ऑर्डर कर सकते हैं अगले 2 दिनों के लिए। इस पूरी किताब की मेरे भाई अभी मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर इंडेक्स के बारे में। जैसे इस किताब को मैंने क्यों कहा कि हम लोगों ने 4 बार बनाया और उसके बाद में वापस इसको डंप किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने ना किताब को सोचा था कि जैसे बाकी लोग करते हैं कि क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का उठाते हैं, सोल्यूशन बस उसके बनाते हैं और किताब छाप करके दे दी। वो काम क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, उसमें खर्चा बहुत कम लगता है। ठीक है ना, तो खर्चा बहुत कम लगता है तो पूरे मतलब 2-3 महीने में किताब बनकर तैयार हो जाती है। अगर हम इस किताब की बात करें तो 1 साल लगभग इसमें लगे हैं, जहां पर 1 महीने का औसतन जो खर्च रहा है हमारा वो 2-2.5 लाख रुपए के करीब में रहा है, जिसमें टाइपिस्ट की सैलरी, कंटेंट डेवलपर की सैलरी और आप सब मान लीजिए। पूरे साल में लगभग 30 लाख से ऊपर की इसकी इन्वेस्टमेंट हुई इस किताब के ऊपर में। ठीक है, और तब जाकर के ये बुक बनी। इसमें जो सबसे पहली थॉट रखी थी हमने वो ये रखी थी कि यार किताब कौन सी चीज होती है कि बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद में उसको जो प्रैक्टिस करने के लिए जब किताब मिले तो उसको ये फील ना हो यहां पर कि यार हमने मेहनत वेस्ट गई। उसको हमेशा ऐसा लगे ना कि यार कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है हमारा गणित में, अब हमारे सवाल हमसे बन रहे हैं, अब हमारा स्कोर सुधर रहा है और अब हम जो है अपना सिलेक्शन मेरे भाई ले सकते हैं। तो इसी वजह से इसी के साथ में हमने पूरी किताब को टाइप वाइज बांटा। अब ये टाइप वाइज बांटने में मेरे भाई क्या हुआ, कई ऐसे टाइप थे जो मैं पढ़ाता तो हूं क्लास में और मुझे पता है कि इससे क्वेश्चन आपका आएगा, लेकिन रेलवे के इतिहास में वैसे मुझे क्वेश्चन मिले ही नहीं। उन 18,000 क्वेश्चन में कई ऐसे सवाल थे जो कभी रेलवे ने पूछा ही नहीं, लेकिन उसके आने की संभावना पूरी थी। उसके बाद में हमने उन क्वेश्चन को डेवलप किया और उन क्वेश्चन को हमने इस किताब में डाला कि आप ये भी पढ़ करके जाओ, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हम आपको वो भी देंगे ताकि आपका कहीं पर नुकसान ना हो। उसके बाद में हमने यहाँ पर लाभ हानि से लेकर ऐसे ही ठीक है सॉल्यूशंस हमने बनाए। फिर बाद में हमने कहा यार हम रेलवे की एक प्रैक्टिस सेट की किताब अलग निकालेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो किताब हम बच्चों के लिए अलग से देंगे कि कोई बच्चा अगर टेस्ट देना चाहता है तो वो हो। लेकिन हमने कहा यार ऐसा करो ना कि बच्चे का जो पैसा है वो बचे, बहुत मेहनत से बच्चे इस तरीके से अपना रूम रेंट देते हैं, लाइब्रेरी का फीस देते हैं, उसी में अपने खाने का खर्चा है, फिर 2 अलग अलग उन्हें किताब खरीदनी पड़ेगी तो उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बार ऑर्डर करेंगे दोनों बार डिलीवरी का चार्ज लगेगा, दोनों बार चैनल की फीस लगेगी, दोनों डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन लेंगे। उससे बढ़िया मेरे भाई ये काम करते हैं ना, उनको मिक्स कर देते हैं। तो जो चैप्टर टेस्ट हमारा अलग से था उसको हमने मेरे भाई पूरा का पूरा इसी के अंदर में इंक्लूड कर दिया। यानी आप एक चैप्टर को पढ़िए
और उसके बाद आप उस चैप्टर का टेस्ट दीजिए। तो जितने चैप्टर हमने इसके अंदर में डाले हैं उतने चैप्टर्स के हमने इसके अंदर में टेस्ट जो है वो भी हमने डाला हुआ है कि आप उन चैप्टर्स को पढ़िए और उसका टेस्ट दीजिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करिए ताकि आपको ये फील हो कि हाँ सर हमने जो है गणित में कुछ सीखा है। मैं आपको एक चैप्टर दिखाता हूं, जैसे आपको यहां कंटेंट हम दिखाते हैं। ये किताब अभी सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश में हम इसकी किताब आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और कुछ महीने के बाद आपको मार्केट में ऑटोमेटिक इसका इंग्लिश वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। हिंदी में लाने का मेरे भाई रीजन है क्योंकि बहुत बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी को ही कर रहे हैं। अगर मैं इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें डाल देता जो कि मैंने हटवाए हैं, दूसरी बार हमने अपनी किताब डंप इसीलिए की थी क्योंकि ये पूरी किताब हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिलाकर के बना दिया जिससे इसके जो पेज हैं वो 650 के करीब में चले गए और इस किताब की कीमत 450 से 500 के बीच में आ गई और हमें लगा कि यार ये बहुत कॉस्टली हो जाएगी, तो एक काम करो हिंदी अलग करो इंग्लिश अलग करो और तब जाकर के ये किताब बनाओ। ठीक है, आप यहां पर पहले क्वेश्चंस को देखिए। यहां पर जो आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है, जैसे लाभ हानि तो लगभग सबने पढ़ा होगा। आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के यहां पर क्वेश्चंस को देखिए जो यहां पर जो है ना, ठीक है, हर में अच्छे खासे क्वेश्चन हमने रखे हैं, कम क्वेश्चन भी नहीं रखा ज्यादा भी नहीं रखा। तो जैसे सबसे पहले लाभ और हानि की यहां पर बात करते हैं, लाभ और हानि में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल का है तो जो उसकी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी सही है, फिर एनटीपीसी के मेंस का है, फिर एनटीपीसी के प्री का है, फिर उसके बाद यहां पर आपके ग्रुप डी के भी सवाल हैं, एएलपी और टेक्नीशियन के भी सवाल हैं और एक एक एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया है। और फिर से वही बात बोलूंगा, टाइप वाइज इसकी कैटेगरी हमने बनाई है, जैसे आप देख सकते हैं ये अभी टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन है। ठीक है, कई ऐसे सवाल है जहां पर आपको सर टैग ही नहीं मिलेगा, वो सवाल हमने खुद से बना करके इसमें डाला है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो आपको कोई नहीं मिलेगा, ये सवाल हमने खुद से अपने शीट से बना करके मेरे भाई डाला ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में ना तो आपका स्कोर मेरे भाई नीचे ना गिरे, आपका स्कोर ऊपर गिरे और आपको लगे कि भैया हमने इसका फायदा उठाया है। उसके बाद में जो सॉल्यूशंस हैं इसी में मेरे भाई और ज्यादा मेहनत लगी है, पूरी किताब बनने के बाद में एक बार और कटी हमारी किताब। रीजन ये था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो हमने सॉल्यूशंस दिए वो अपने आप में बहुत वाहियात थे। ठीक है यार, इस सॉल्यूशन से तो बच्चे का फायदा ही नहीं होगा। किताब ऐसी चीज होती है जहां पर उसको ये लगे कि जहां तक हमने पढ़ा था ये उसके बाद की बात है और ये मुझे और आगे पुश करेगी। ठीक है, इसको लेने से मेरा सच में स्कोर बढ़ेगा। तो उसके बाद हमने जो सॉल्यूशंस हैं वो पूरे के पूरे मेरे भाई बैठ के लिख लिख हमने रातों रात मतलब लगे हमें हमारी पूरी टीम को, तब जाकर के हमने ये सॉल्यूशंस बनाया मेरे भाई। ठीक है, ये सॉल्यूशंस अगर आप देखेंगे तो वो सॉल्यूशंस है जो मेरे क्लास में मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। आप देखेंगे तो जहां जरूरत है वो सीरीज मेथड लगाया है, जहां जरूरत है वहां रेशियो मेथड लगाया है और जहां जरूरत है मेरे भाई पूरा अपना जैसे बटरफ्लाई कांसेप्ट में आपको पढ़ाता हूं तो बटरफ्लाई कांसेप्ट यहां पूरा पूरा दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही अपने आप में फायदा आपको पहुंचाने वाली है। ठीक है ना, तो गणित में अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो ये किताब आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाती है। अगर हम इसके टेस्ट की भी बात करें भाई यहां पर तो हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके जो टेस्ट है वो भी आप लोगों के लिए दे रखे हैं। आप यहां पर जो चैप्टर है कोई भी चैप्टर आप यहां पर पढ़िए और उसके बाद में यहां पर टेस्ट दीजिए। देखिए अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो हमने जो टेस्ट है मेरे भाई इस तरीके से हमने दिया हुआ है कि कुल मिलाकर के हमने जो है यहां पर क्वेश्चंस की जो संख्या रखी है एक टेस्ट के अंदर में मेरे भाई 20 क्वेश्चन रखे हैं। किसी में 20 आते हैं, किसी में 25 आते हैं, किसी में 30 आते हैं, किसी में 35 आते हैं। हमने 20-20 क्वेश्चन का जो है आप लोगों के लिए टेस्ट दिया हुआ है और इस तरीके से कि आप अपना यहां पर टाइमर ऑन करेंगे, ड्यूरेशन आपको 20 मिनट का मिलेगा, 20 मिनट में 20 सवाल को सॉल्व करिए और अपने आप अपने मार्क्स को यहां पर डिसाइड करिए तो 2-in-1 आप लोगों के लिए बन जाती है। पढ़िए भी यहीं से, टेस्ट भी दीजिए यहीं से और जो आप लोग सेट लगाने अलग अलग जगह पे जाते हैं वो नहीं करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, लगभग अगर हम बात करें इस किताब को लेकर के दोस्त यहां पर तो आप यहां पर देखिए मैं सस्ती किताब भी बना देता आप लोगों के लिए। 100 रुपए वाली किताब मेरे लिए बनाना बाएं हाथ का खेल है, इतना कंटेंट है मेरे पास में कि अगर हम 10 रुपए 20 रुपए मतलब मैं 20-20 रुपए में किताब आप लोगों के लिए लॉन्च कर सकता हूं, ई बुक लॉन्च कर सकता हूं। लेकिन फिर वही बात है, वैसे सस्ते टाइपिस्ट मिलेंगे, वैसे सस्ते कंटेंट डेवलपर मिलेंगे और वैसा सस्ता काम होगा मेरे भाई। कोई भी चीज अगर लगती है ना तो उसके ऊपर में एक मेहनत होती है, एक खर्च लगता है। हमने है ना, मैं यार कोई बहुत बड़ी फंडेड कंपनी नहीं हूं, मेरे पास 100-200 करोड़ जो है कोई अगर फंड देके मेरे झोली में देके नहीं चला जाता है। जो मेहनत से कमाते हैं उसी मेहनत से वापस बच्चों के लिए लगाते हैं और उससे उनका फायदा चाहते हैं। तो यही बात है मेरे भाई, अगर आप इस किताब को देखोगे किसी से पूछोगे 80 रुपए की डिलीवरी आपको लगेगी और उसके बाद में लगभग 40 रुपए जिस चैनल पे फ्लिपकार्ट पे बेचे तो उस पे खर्चा आता है, जहां पर भी आता है। ठीक है, 40 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर सेलर ये सारा मतलब पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट और ये सब लग जाता है, ऐसे कर करके मेरे भाई 20 रुपए आप इसकी पैकिंग पे आप और जोड़ लीजिए तो लगभग यही आपकी मतलब जो है 180 रुपए है कुल मिलाकर के। अगर मैं जोड़ू यहां पर तो 160 से 180 के बीच में आपका यही कॉस्ट चला जाता है। ठीक है, और जो किताब मेरे भाई छपेगी आप उसकी भी रेट निकालोगे विथ जीएसटी वीएसटी लगा करके तो लगभग आपकी 100 रुपए की इसकी कॉस्ट आपकी चली जाती है। तो टोटल मिलाया जो हमने यहां पर कॉस्ट निकाला है वो आपका 259 है और ये 259 पे हम आपको सारा टाइम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो ये किताब जा रही है सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड प्राइस पर जा रही है। ठीक है, और अगले 2 दिनों तक आप लोगों के पास में ये प्राइस रहने वाला है, इसके बाद में इसकी जो प्राइस है वो 300 रुपए या लगभग 320 के करीब में हो जाएगी। ठीक है ना, तो 259 पर ये अभी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पे, दोनों का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बोलूंगा जब ये किताब आपके पास में पहुंचेगी सबसे पहला काम आपको रेटिंग करना है, इस बात को ध्यान रखना, रेटिंग करना नहीं भूलोगे। जितना हो सकता है मेरे भाई यहां पर हम लोगों को आप जो है वीडियो बना करके भेज सकते हो वो वीडियो बना करके भेजोगे। जो भी यूट्यूबर मेरे भाई इस किताब की मतलब रिव्यू करना चाहता है आप खुलेआम कर सकते हैं, अच्छी है तो अच्छा बताइएगा, अच्छी नहीं लगी तो आप वो भी बताइएगा, हमारे तरफ से कोई कॉपीराइट नहीं जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ऑनलाइन लाइव क्लास में आपको बोलता हूं मैं। ठीक है, जो भी बच्चा इसके ऊपर में शॉर्ट्स बनाना चाहता है, वीडियो बनाना चाहता है, रिव्यू करना चाहता है, वो मेरे भाई पब्लिक तरीके से आप खुलेआम बच्चों को बताइए। हम मेरे भाई वो गवर्नमेंट नहीं है जहां पर गला घोट के रखते हैं, आपके पास में आपकी आजादी है जिसका आप सही इस्तेमाल करिएगा। आपको अच्छा लगे तो अच्छी रिव्यू दीजिएगा सर और अच्छा नहीं लगे तो आप अपना जेन्युइन रिव्यू बताइएगा, इसके लूपोस बताइएगा ताकि
उसको करेक्ट और आने वाले समय में कर पाए, ठीक है। और बाकी बात ऐसे बटे की खुद हूँ पढ़ेगा उनको पढ़ाओगे, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से मैं पूरा नंबर लेके आऊंगा। जहां जहां बाटे पूरा बिहार में, पटना में, यूपी में, हर जगह भोकाल काट दिया लोग, तनिक किताब में हम कोनो कमी नहीं कही, तनिक प्रमोशन में कोनो कमी मत करिए लोग। ऐसे कि हमारा लगे इतना पैसा नहीं है कि हम अलग अलग लोग हायर करके किताब के प्रमोशन कराई, ठीक है ना, लोग के पैसा मतलब प्रमोशन करावे हमारा लगे बिल्कुल पैसा नहीं है। ऐसे कि वो प्रमोशन में जो हम खर्चा करती तो तहनी के किताब के हम रेट कम करे में कर देनी, तो बाकी अपन भाई के किताब बा तहनी के एकदम एक जो बात धूरा धूरा काट दिया लोग, ठीक बा। अपने तरफ से भाई हम पूरा जीजन लगा दे बानी, बाकी तहनी के ऊपर छोड़ दे बानी, पूरा अपन जो बार रेटिंग एकदम भोजपुरी में दे दिए, कोनो दिक्कत के बात नहीं है। आ कहनी है कि रेलवे का भी पहला गिफ्ट रहा, अभी एक बात है धुआंधार तरीके से और भी गिफ्ट आवत रही, तहनी के क्लास को जता लो तहनी के क्लास में मिली। हाँ रीजनिंग वैसे तैयार होता है, टेंशन के कोनो बात नहीं है, रीजनिंग में भी सर जन बढ़ा पूरा मेहनत कर वाला अपन, अब पूरा मेहनत करत रही, ठीक है ना। तो अभी खाली हमने किताब आई बा मैथ्स में भाई, ऐसे कि हम एक काम से फ्री हम तब तनिक दूसरा का चीज शुरू करें। अब एक बात बहुत जल्दी तनिक हम क्लासों लेकर के आवे बनी, और बाद जो बार रीजनिंग में भी इतना बहुत बढ़िया तैयारी होकर वाला बैठे, तो रीजनिंग की गारंटी हम हो लेता नहीं, बाकी तो सर तो बढ़ लेन टेंशन के बात नहीं है कोनो। वीडियो को शेयर कर दिया लो और बाद जो किताब मंगा लिया, ठीक है ना। तो आज के इतना बैठे भाई, जितना हो पाई उतना कह देनी, आज जिनको नहीं समझ पाया कृपया इसको जो है हिंदी में समझ के बस इतना समझे, किताब बढ़िया है, मंगाए पढ़ें और अच्छे तरीके से शेयर करें, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा था नहीं बता दिया लो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, बढ़िया से कमेंट करेगा एकदम, वीडियो को हर जगह शेयर कर दिया लो, जो नहीं भी पढ़ा तो करा भी बता दो, बाकी रेलवे पढ़ेगा तो रेलवे गणित से पढ़ा, आदित्य रंजन सर के किताब से पढ़ा, ठीक है ना बाबू। तो आज खाती इतने, चलो मिले जाइए अगले वीडियो में, बहुत हो गई बात, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।